हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है नितिन और आज आपके साथ फिर एक वीडियो लेके आ गया हूँ ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि इमरजेंसी टेक्नीशियन के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाओ, कैसे हम इस कोर्स को कर सकते हैं, क्या स्कोप है, कितनी सैलरी है, तो ये सब डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईएमटी क्या होता है। ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की काम क्या होता है, किस किस फील्ड में वो जॉब कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्कोप बताऊंगा कि कौन से फील्ड में ये जॉब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इमरजेंसी टेक्नीशियन होता है वो कर सकता है हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है सबसे पहले, तो क्योंकि हॉस्पिटल में तो टेक्नीशियन है, तो मेडिकल टेक्नीशियन है तो हॉस्पिटल में जॉब तो कंपल्सरी। सेकंड जो उसका पॉइंट होता है वो कर सकता है जैसे एम्बुलेंस में जॉब कर सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस में काफी सारी इमरजेंसी नीड आती है, इमरजेंसी पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो एम्बुलेंस में कर सकता है। थर्ड जो मेन है वो एरोप्लेन में भी जॉब कर सकता है। कैसे, क्योंकि एरोप्लेन में समटाइम्स इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि काफी सारे 200 से 300 पेशेंट वहां पर रहते हैं, तो उनको इमरजेंसी की नीड पड़ जाती है, तो इसलिए वो वहां पे इमरजेंसी टेक्नीशियन की नीड होती है, तो वो वहां पे भी जॉब कर सकता है। ऐसे ही काफी सारी जगह पे कोई बड़ा सा मॉल हो या काफी प्लेस जहां पे बहुत सारी पब्लिक एक साथ रहती है, उस जगह पे एक इमरजेंसी टेक्नीशियन जॉब कर सकता है, क्योंकि जहां पे 1000 की अराउंड पीपल होंगे तो वहां पे किसी को ना किसी को तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इमरजेंसी की नीड पड़ सकती है, तो वहां पे उस वक्त को हॉस्पिटल ले जाना या काफी कुछ ट्रीटमेंट करना, तो इस चीज के लिए इमरजेंसी टेक्नीशियन की नीड होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल भी है कि जैसे मान लो जहां पे 1000 से अबव पीपल है या ज्यादा पीपल है तो वहां पे एक इमरजेंसी टेक्नीशियन होना चाहिए, तो इसलिए इमरजेंसी टेक्नीशियन की नीड काफी ज्यादा प्लेस पे होती है। और आने वाले टाइम में इमरजेंसी टेक्नीशियन की मतलब नीड हो सकती है काफी ज्यादा, स्कोप अच्छा जा रहा है इसका, तो इमरजेंसी टेक्नीशियन का ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स करने के लिए आपको 12th पास होने चाहिए, एनी स्ट्रीम से पास होने चाहिए। लाइक अगर आप आर्ट्स से पास हो तो आप इसमें खाली डिप्लोमा कर सकते हैं आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले। बट अगर आपको डिग्री करनी है तो आपके पास बायोलॉजी मस्ट होनी चाहिए, बायोलॉजी है तो आप इसमें डिग्री ले सकते हो इमरजेंसी टेक्नीशियन में। ठीक है, तो ये इसकी नीड होती है मतलब इस कोर्स में एंटर करने के लिए। सेकंड, आप इस कोर्स में किस किस चीजों की पढ़ाई करते हैं, तो इस कोर्स में जो पढ़ाई होती है वो होती है लाइक इमरजेंसीज की, जैसे कभी भी एक्सीडेंटल केस आ गया कोई, ये किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो गई लाइक कोड ब्लू हो गया, कुछ हो गया, किसी भी इमरजेंसी, कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी की नीड अगर किसी पेशेंट को पड़ती है तो वो काम ये इमरजेंसी टेक्नीशियन सीखते हैं। लाइक जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, समथिंग कुछ आ गया, कुछ भी हो गया कार्डियक अरेस्ट, तो हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी टीम होती है वो तुरंत आगे इकट्ठा होगी और उस पेशेंट को ट्रीट करेगी कि उसको क्या क्या नीड है, किस चीज की नीड है। और सेकंड, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया, समथिंग कुछ हो गया और वो पेशेंट हॉस्पिटल में आया, तो इमरजेंसी टेक्नीशियन आता है, उसे देखता है किसी क्या क्या चीज की नीड है, उसका वाइटल्स लेगा, उसको चेक करेगा, लाइक उसको ड्रेसिंग की जरूरत है उसकी ड्रेसिंग करेगा, व्हाटएवर जो भी उसकी नीड है इमरजेंसी में, लाइक इमरजेंसी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है वो, तो उसको उस तरह से ड्रेसिंग करेगा। मान लो कुछ उसकी बोन ब्रेक हो गई तो उसका प्लास्टर की नीड होगी तो प्लास्टर करवाएगा, जो भी व्हाटएवर, ये बताएगा उसे कि आपको इसी चीज की नीड है, एक तरह से वो उसे इन्फॉर्म भी करेगा और जो उसका काम होगा वो अपना काम भी करेगा। लाइक उसको अगर ड्रेसिंग की नीड होगी तो ड्रेसिंग कर सकता है इमरजेंसी टेक्नीशियन, तो वो उसकी ड्रेसिंग कर देगा। कोई मतलब इमरजेंसी इंजेक्शन देना हुआ तो वो दे सकता है। तो ये इमरजेंसी टेक्नीशियन की ड्यूटी होती है मेनली, किसी भी तरह की इमरजेंसी में काम आना इमरजेंसी टेक्नीशियन की ड्यूटी होती है। इसके नाम से पता लग रहा है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, मतलब किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इसका यूज किया जाता है। इस कोर्स के थ्रू जो पढ़ते हैं बच्चे या जो भी इस कोर्स को करते हैं उसके बाद उनकी जॉब इमरजेंसी में लगती है। ठीक है, थर्ड चीज आपको बता दूं, इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, सबसे मेन पॉइंट रहता है क्योंकि काफी सारे सैलरी के ऊपर रहते हैं। तो इस कोर्स करने के बाद आपको 15-20 मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। लाइक जैसे आपने फर्स्ट मतलब फ्रेशर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो 15-20,000 आपको मिलते हैं। देन अगर आपको एक्सपीरियंस लेते जाते हो, जितना जिस तरह से एक्सपीरियंस मिलता रहता है उस तरह से सैलरी बढ़ती रहती है। लाइक 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लिया तो 25,000 हो जाते हैं, उससे ज्यादा ले लिया और सैलरी इंक्रीज होती रहती है डे बाय डे, या ईयरली मतलब आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। जिस तरह के आप सेटअप में जाओ या जिस तरह के हॉस्पिटल्स में जाओ, नर्सिंग होम में जाओगे तो कम मिलेगी, बड़े बड़े सेटअप्स में जाओगे तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो डिपेंड भी करता है सेटअप पे भी, और सेकेंड आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हो। ठीक है, और थर्ड अब बात करते हैं इस कोर्स को करने में कितने चार्जेस लगते हैं आप लोगों के। लाइक अगर आप आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से तो आप डिप्लोमा ही कर पाओगे, तो उस डिप्लोमा को करने के लिए आपके 1 लाख अराउंड लगते हैं, 1 लाख समथिंग लगते हैं इसको उसको करने के लिए, आप डिप्लोमा हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपको डिग्री करनी है तो डिग्री के लिए 2 लाख रुपीज लगते हैं।
अब बात करें ड्यूरेशन की, अगर इसका डिप्लोमा करने के लिए ड्यूरेशन कितनी लगती है, अगर डिप्लोमा करना है तो 2 ईयर्स लगते हैं, जिसमें कि आपको 2 ईयर्स तक पढ़ाया, मतलब 1.5 ईयर तक फिजिक मतलब थ्योरी पढ़ाई जाएगी और 6 मंथ का प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है। इसके डिप्लोमा के लिए 2 ईयर्स लगते हैं, और अगर आपको इसी कोर्स में डिग्री करनी है तो 3 ईयर्स लगते हैं, जिसमें कि 2 ईयर्स आपकी पढ़ाई होती है, 2.5, देन 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग होती है, देन आप डिग्री बेस पे जॉब कर सकते आ जाते हैं। और एक चीज, डिग्री और डिप्लोमा की क्या मतलब क्या डिफरेंस है डिग्री और डिप्लोमा में, लाइक किसी ने डिप्लोमा करा तो डिप्लोमा में क्या होता है, उनको कंपैरिजन टू डिग्री थोड़ी सी कम नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम होती है या बिल्कुल ही डफर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा वाले भी डिग्री से ज्यादा कमाते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं है, वो थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंड करता है और सेटअप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होता है, डिप्लोमा वालों को थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, या फिर आप कहीं पे जाते हो बताते हो डिप्लोमा, तो कंपैरिजन टू डिग्री, मान लो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, डिग्री वाले का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप सेम हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो डिग्री वालों को पहले प्रेफर किया जाएगा, जॉब के लिए भी उसको पहले रखा जाएगा। वैसे मतलब ये नहीं कि उसकी नॉलेज नहीं है डिग्री वाले की तो डिग्री वाले को पहले रखेंगे, ऐसा नहीं है, नॉलेज भी होनी चाहिए, दोनों को इक्वल है, मान लो दोनों को इक्वल है समझे, अगर मान लो डिप्लोमा वाले को भी डिग्री वाले को दोनों को इक्वल नॉलेज है, सब कुछ इक्वल है, एक्सपीरियंस इक्वल है, तो सैलरी की बात की जाए तो उस टाइम पे डिग्री वाले को ज्यादा सैलरी मिलेगी कंपैरिजन टू डिप्लोमा, अगर दोनों की इक्वल नॉलेज इक्वल एक्सपीरियंस है सब कुछ। अगर मान लो कि डिग्री वाले को कुछ नहीं आता, डिप्लोमा वाले को सब कुछ आता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं इंटरव्यू में, डिग्री वाला शांत बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में डिग्री वाले को नहीं पूछा जाएगा, डिप्लोमा वाले को पूछा जाएगा। ये नहीं कि आप डिप्लोमा वालों को नहीं पूछा जाता, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, बस ये है कि डिग्री और डिप्लोमा में इतना फर्क है कि थोड़ा सैलरी का फर्क रहता है 4 to 5,000 समथिंग का, वो भी क्यों, क्योंकि देखो 1 ईयर एक्स्ट्रा दे पढ़ाई के लिए, सब कुछ उनको नॉलेज सब कुछ सब चीज वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं कंपेरिजन टू डिप्लोमा, तो उनका इतना फर्क बनता है, ठीक है। तो इमरजेंसी टेक्नीशियन के लिए काफी सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, स्कोप भी इसका आपको पता है अच्छा चलता जा रहा है आजकल की ट्रेंड में, क्योंकि इमरजेंसी की नीड सबको होती है हॉस्पिटल में, क्या हर जगह इमरजेंसी के बिना किसी जगह में काम नहीं है, तो इमरजेंसी टेक्नीशियन की नीड काफी जगह होती है। यही एक डिमांडिंग वीडियो थी, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको बताने की कोशिश करी है कि जितनी जल्दी मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ जितनी शॉर्ट वीडियो में। तो इमरजेंसी टेक्नीशियन ये होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो इमरजेंसी में नीड आए, जिसकी जो इमरजेंसी में काम आए वो होता है इमरजेंसी टेक्नीशियन, इसके लिए पढ़ना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई भी ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, नॉर्मल के सब्जेक्ट जो होते हैं इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी और प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, वो सब करना पड़ता है, फार्माकोलॉजी भी होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। पढ़ाई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है, मीडियम मीडियम रहती है, पढ़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इस कोर्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो पढ़ना तो मस्ट है, ठीक है। यही था इमरजेंसी टेक्नीशियन के बारे में पूरी डिटेल्स वीडियो, जो कि मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश की है। और अगर भी ऐसी किसी टेक्नीशियन फील्ड की या किसी और फील्ड की आप जॉब मेरे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगा जितनी जल्दी हो सकता। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे 24/7 तो नहीं कह सकता, बहुत मोस्टली ज्यादा से ज्यादा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं अपनी आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, वहां से आप मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी अगर किसी बेस पे आप वीडियो बना चाहते हैं या कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लिए, कौन सी वीडियो, दोनों जगह आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं कमेंट कर दीजिए तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करके रिप्लाई करेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बना लेंगे। और अगर इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।